नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर। आज मैं करदम रावल आप सबके साथ डिस्कस करूंगा वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन इंडिया। जैसे कि होती है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, आपने टर्म सुनी होगी, बैंक के द्वारा कई सारी फैसिलिटीज मिलती है जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनको, क्रैश क्रेडिट मिलती है, फिर आपने ट्रेजरी बिल के बारे में सुना होगा, ऐसे अलग अलग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीजें जो है कौन से हेड के अंदर आती है और किस चीज के अंदर ये जो है कवर अप होती है, आज की इस वीडियो लेक्चर के दौरान इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हमने देखा था कि भाई जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके बारे में देखा था, उसके बाद जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट तो जरूर से करती है, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है उससे क्या होता है, बिजनेस जो है वो ग्रो होता है। ग्रो हो रहे हुए बिजनेस को चाहिए पैसे, फंड्स, जो वो लोन वगैरह के माध्यम से जो मार्केट और बैंक जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वहां से फंड एक्यूमुलेट करती है। तो क्लोग्लोमेटिव तरीके से ये कहां से फंड आते हैं, कौन कौन सी चीजें इसको लीड करती है, तो इन सारे मुद्दों के ऊपर जो है आज का वीडियो लेक्चर डिपेंड करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए, और ये वीडियो जो आपके ओर प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के द्वारा। तो ये जो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पे और सर्च करें यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स चैनल, और जो है आप उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद रेड कलर का बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि वहां पर जो है आपको द हिंदू एडिटोरियल के अलावा जो है एनालिसिस मिलेंगे, उसके अलावा जो है वेरियस टॉपिक्स के जो है वहां पर आपको टॉपिक्स के साथ कवर अप होने वाले जो सारे यूपीएससी के कवर अप टॉपिक्स होंगे उसके साथ के वहां पर आपको जो है एक्सक्लूसिव वीडियोस भी वहां पर मिलेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मनी मार्केट। तो मनी मार्केट की जो डेफिनेशन है वो रीड आउट करता है, क्योंकि वो जो मेन डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ ब्रॉड टर्म डिस्क्राइबिंग एनी मार्केट प्लेस वेयर बायर एंड सेलर पार्टिसिपेट इन द ट्रेड ऑफ असेट्स सच एज इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी एंड डेरिवेटिव। तो ये चार मेन चीज है जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कवर अप होती है, और इन चार चीजों के बायर और सेलर जिस जगह पे इकट्ठा होते हैं उस प्लेस को, चाहे वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल तरीके से हो, यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कोई भी मोड ऑफ प्लेस हो, यहाँ पर इक्विटी यानी कि जहाँ पर शेयर्स रिगार्डिंग चीजें जो है बाय और सेल होती है, बॉन्ड्स जिसको हम आज देखेंगे कि कौन सी चीजें बॉन्ड्स के ऊपर आती है, करेंसी जैसे कि अलग अलग विभिन्न जो भारत के जैसे अलग अलग देश है उनकी करेंसीज जहां पे बाय और सेल होती है, और जो डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स क्या है उसके रिगार्डिंग एक स्पेशल लेक्चर आने वाला है जहां पर इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी और डेरिवेटिव्स दोनों चारों के चारों को जो है डिटेल से यहां पर समझाया जाने वाला है। तो अगर यहां पर आपको चारों टर्म्स नहीं पता होती है तो कोई बात नहीं, इसका एक डिटेल वीडियो लेक्चर हमारे शेड्यूल के अंदर है ही है। फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर मेनली जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या चीजें कवर अप होती है, मेनली तीन चीजें कवर अप होती है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, यहाँ पर जो प्राइस दिखती है बाय करने के लिए उसी प्राइस के ऊपर बाय होता है, और जो प्राइस सेल करने की दिखती है उसी प्राइस के ऊपर जो है आप अपने पास जो चीज है उसको सेल आउट कर सकते हो, चाहे वो इक्विटी है, बॉन्ड है, करेंसी है या फिर डेरिवेटिव है। दूसरा पॉइंट है बेसिक रेगुलेशन ऑन ट्रेडिंग कॉस्ट एंड फीस। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग होगी उसके रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एज पर द कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो बेसिक रूल्स जो होंगे वो सारे फॉलो करने हैं ट्रेडिंग रिगार्डिंग। ट्रेडिंग का मतलब है जहां पर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती है, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी को ट्रेडिंग बोलेंगे। फिर जो कॉस्ट है ये भी प्री डिसाइडेड कॉस्ट होता है कि कितना चार्ज जो है आपको लगेगा आप कौन सी भी एक्टिविटी करो, बाइंग या फिर सेलिंग की। और जहां पर कॉस्ट नहीं लगती वहां पर बाइंग सेलिंग के ऊपर चार्ज नहीं होते, वहां पर होती है फीस। तो प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है मेजोरिटी केसेस के अंदर जो है, यहाँ पर सेबी और आरबीआई के हाथ में सबसे ज्यादा मॉनिटरी पावर्स होते हैं फीस और कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए। फिर जो थर्ड पॉइंट है मार्केट फोर्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रेड। ऑब्वियसली मार्केट फोर्स का मतलब है डिमांड और सप्लाई का थंब रूल। तो यहाँ पर जैसे ही डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की उसकी प्राइस जो है इंक्रीज होने वाली है, और जिस चीज की डिमांड घटेगी या फिर कम होगी या होगी ही नहीं तो उसका जो सेलिंग है वो ऑब्वियसली कम होने वाला है। तो यहाँ पर जो प्राइस है सिक्योरिटीज की मेनली अगर हम बात करें, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और इक्विटी के अंदर भी यही रूल जो है इंप्लीमेंट होता है, लेकिन सिक्योरिटीज के अंदर जो ट्रेडिंग वगैरह होगी उसकी प्राइसेस जो है डिमांड और सप्लाई के थंब रूल के रिगार्डिंग यहाँ पर डिसाइड होती है। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें कि फाइनेंशियली
जो फाइनेंशियल मार्केट चलते हैं उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो है मेनली मैटर करते हैं, तो चार मेन फंक्शंस है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज। तो यहाँ पर सेविंग्स जिस तरीके से इकट्ठा होती है उसको एक मॉडिफाइड तरीके से एक डेडिकेटेड पाथ के ऊपर यूज करेंगे ताकि जो उसका प्रोडक्टिव यूज निकाल सके, उससे कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर सके। यानी कि सेविंग से करेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से मिलेगा पैसा, पैसा कैसे मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर। यहाँ पर फिर है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइस की जो डिस्कवरी है इसकी फैसिलिटेशन एक्टिविटी जो है मनी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर यहाँ पर कैरी आउट होती है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। तो आपको पता होगा कि बड़ी बड़ी लोन्स जब कंपनीज लेती है तो अपनी असेट्स जो है मॉर्गेज कराती है, तो इसी मॉर्गेज के ऊपर जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, कैश प्रोवाइड की जाती है, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बैलेंसेस प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो फाइनेंशियल असेट्स अभी एक बार जो एक्वायर कर लिए है उसी को रीयूज करते हुए यहाँ पर जो है उसके मॉर्गेज के ऊपर जो है यहाँ पर कैश मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी। और लास्ट का पॉइंट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड सेव टाइम एंड एफर्ट्स। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसका जो खर्चा है वहां पर जो है रिडक्शन देखने को मिलेगा, कमी आएगी, उसके बाद यहाँ पर टाइम भी सेव होगा और एफर्ट्स भी यहाँ पर कम लगेंगे एज कंपेयर टू अगर आप जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करोगे तो आपके एफर्ट्स जो है ज्यादा लगेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पर दो मेजर सेगमेंट होते हैं, एक है मनी मार्केट, उसके बाद है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर नाम से नहीं जाना है कि मनी मार्केट है इसके अंदर मनी कवर अप होगा और कैपिटल मार्केट है तो इसके अंदर बड़ी अमाउंट और कैपिटल कवर होगी। यहाँ पर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है सेगमेंट को डाइवर्सिफाई किया गया है। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स मिलती है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मतलब है कि एक साल से कम का टाइम फ्रेम जो होगा वो मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म क्रेडिट पीरियड का होगा। और यहाँ पर जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो यहाँ पर मीडियम टर्म क्रेडिट किसे बोलेंगे, एक साल से पांच साल का जो टाइम फ्रेम रहेगा उसको मीडियम टर्म क्रेडिट बोलेंगे, और पांच साल से लेके दस साल या फिर उससे कहीं ज्यादा 25 साल 30 साल 50 साल तक का टाइम फ्रेम रहेगा तो उसको लॉन्ग टर्म क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ पर और एक डेफिनेशन है मीडियम टर्म की, मीडियम टर्म का यहाँ पर एक साल से तीन साल का भी मतलब निकलता है, उसके अलावा जो है तीन साल से लेके सात साल का जो टर्म है उसको लॉन्ग टर्म क्रेडिट का भी टर्म बोला जाता है। तो टर्म का यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर जो है टाइम फ्रेम नहीं रखा है। बाकी जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट का हमने मनी मार्केट बोला है वहां पर आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो मनी मार्केट की बात करते हैं कि मनी मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है और यहाँ पर जो बोरोइंग और लेंडिंग होती है लोन्स वगैरह की शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, और यहाँ पर जो है पीरियड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 365 डेज होता है। यानी कि जीरो या फिर एक दिन से लेके आप जो है मैक्सिमम 365 दिन के लिए जो है बोरोइंग कर सकते हो या फिर अपने पास अगर पैसा है तो लेंडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो होती है बोरोवर की उसको यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए लिक्विडिटी और कैश यहाँ पर लेंडर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये प्लेस है जहाँ पर शॉर्ट टर्म सरप्लस इन्वेस्टेबल फंड्स जो है इसको डिस्पोजल किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जो होते हैं यहाँ पर उनके बोरोइंग्स का यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके इंडिविजुअल्स जो होते हैं इवन इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर जो इंडियन मनी मार्केट है वो करती है कंसिस्ट किन किन चीजों से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कौन कौन से आएंगे इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जो समरी देखेंगे पूरे लेक्चर की वहां पर आपको पता चलेगा कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये सारी चीजों को लीड करता है रिगार्ड्स टू मनी मार्केट इन इंडिया। तो सबका बॉस कौन होता है मनी मार्केट के अंदर, याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है मनी मार्केट जो है ये कोई स्पेसिफिक मार्केट प्लेस नहीं है बल्कि ये एक पूरा नेटवर्क होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो डीलिंग्स होती है शॉर्ट टर्म फंडिंग्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स, इनकी सप्लाई, इनकी डिमांड, ये सारी चीजें, कितने फंड्स जो है बोरो हो रहे हैं, कितने फंड्स लैंड हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये मनी मार्केट के प्लेटफॉर्म के ऊपर कैरी आउट होती है और सारी चीजों के ऊपर सुपरविजन रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और यही होता है इसका लीडर या फिर मेन हेड।
तो यहाँ पर जो है मनी मार्केट डज नॉट डील इन कैश और मनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि मनी मार्केट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कैश या फिर मनी के अंदर जो है आपको बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कॉमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल जो है ये होते हैं मनी मार्केट के मेन इंस्ट्रूमेंट्स। आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है। इवन जो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कैश है या फिर आपके पास ट्रेजरी बिल है या फिर प्रॉमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसी की वैल्यू जो है वो कैश के समान ही मानी जाती है। तो इवन यहाँ पर जो है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, LIC, GIC और UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और जो भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये भी इस तरह की इंडियन मनी मार्केट की एक्टिविटी के अंदर कार्यरत रहती है। तो जो स्ट्रक्चर है इंडियन मनी मार्केट का, ये दो तरीके के अंदर कैरेक्टराइज किया गया है। इसके अंदर एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है मेनली जो परव्यू होता है वो RBI के रेगुलेशन के मुताबिक होता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पर इंडिजिनियस बैंक्स, मनी लेंडर्स, जो आपके आसपास भी देखे होंगे आपने, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मनी लेंडर्स होते हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये सारी की सारी चीजें जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर यहाँ पर इंक्लूड होती है। तो मेजर फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट को देखेंगे, यहाँ पर पांच मेन पॉइंट्स बनते हैं मेजर फंक्शंस जो है मनी मार्केट के। तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। टू मेंटेन मॉनिटरी इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर जो है बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन शॉर्ट टर्म पीरियड के रिगार्डिंग होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। कैसे? मनी मार्केट जो है यहाँ पर फंड्स जो है वो अवेलेबल कराए जाते हैं यूनिट्स इन द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में पैसे पहुंचाए जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसे पहुंचाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। इवन जो है ट्रेड और इंडस्ट्री जो है मनी मार्केट के कारण जो है उनको अगर एडिक्वेट फाइनेंस मिलता है ट्रेड इंडस्ट्री को, तो यहाँ पर जो है फैसिलिटी हो जो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, फिर है ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स भी जो है आप पहले जो है ड्यू डेट से पहले जो है उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। तो डिस्काउंटेड प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये काफी हेल्पफुल होते हैं जब बात आती है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हेल्प प्रोवाइड कराने की। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसी जो है, जो ये मैकेनिज्म होता है मॉनिटरी पॉलिसी का, इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने से जो है मनी मार्केट को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बहुत ही ईजी है और काफी हेल्पफुल है सभी के लिए। तो इसको अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो टारगेट्स है वो अचीवेबल टारगेट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है सारे बेनिफिट्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं वो मिल जाते हैं। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका, एक मॉनेटरी मार्केट है उसका जो मेन इसका एडवांटेज है वो ये है कि नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट। तो इससे गवर्नमेंट को नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक ऐसा फाइनेंस जो इन्फ्लेशन के साथ कहीं पर भी जुड़ा हुआ नहीं है, इन्फ्लेशन और इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इट इज पॉसिबल बाय इशूइंग ट्रेजरी बिल इन ऑर्डर टू रेज शॉर्ट टर्म लोन्स। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को इससे सबसे बड़े फायदे हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है मनी मार्केट के, तो पहला है कॉल मनी। तो कॉल मनी जो है ये मेनली बैंक के द्वारा यूज किया जाता है टेम्पररी, जो उनकी कैश की रिक्वायरमेंट होती है, कैश की किल्लत को यहाँ पर सेटिस्फाई करने के लिए कॉल मनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म कॉल मनी है, इसको शॉर्ट नोटिस मनी एट शॉर्ट नोटिस, इसके अलावा मनी एट कॉल भी कहा जाता है। ये एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जैसे कि कुछ घंटों के लिए या फिर जो है 14 दिनों के लिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर पैसे जो है मांगे जाते हैं एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से या फिर दूसरी इनकी ब्रांच से या फिर जो है कोई इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है ये स्टॉक ब्रोकर को और डीलर जो होते हैं ऐसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कराने वाले, उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और यहाँ पर जो रेट होता है वो घंटों के हिसाब से और जो है
डेज के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट होता है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड रेट, एंड रेट इज फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस सच एज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए कि जब नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो तब जो है कॉल मनी मंगाया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके जो रेट्स होंगे वो काफी हाई होंगे इन कंपैरिजन टू कि अभी जो नॉर्मल टाइम चल रहा है, अभी कभी किसी बैंक को कॉल मनी मंगाने की जरूरत पड़ती है, तो अभी जो रेट होंगे वो लिहाजा अफोर्डेबल होंगे। लेकिन जब कॉल मनी आते थे डीमोनेटाइजेशन के वक्त के ऊपर, तो वो अमाउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे। तो ये कॉल रेट्स का डिफरेंस है। बिल है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल क्या चीज है? ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसकी परचेज और सेल इसकी मार्केट के अंदर हो सकती है। और ट्रेजरी बिल जो एक तरीके की सिक्योरिटीज है, यहाँ पर प्रोमिसरी नोट्स और फाइनेंशियल बिल्स जो है ये आरबीआई के द्वारा जो इश्यू होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ट्रेजरी बिल इनको कहा जाता है। यहाँ पर भी दो तरीके के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी और रेगुलर ट्रेजरी बिल्स। दूसरे है एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, यानी कि जो ऑर्डिनरी या फिर रेगुलरी नहीं है, रेगुलर ट्रेजरी बिल नहीं है, वो सारे एड हॉक ट्रेजरी बिल्स है। तो ट्रेजरी बिल्स जो है ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है। कैसे भाई, ये समझ लीजिए आपके पास एक A4 पेपर है जो एक ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल अगर आप किसी भी जगह पे किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बिजनेस हाउस को, किसी भी बैंक को जो है देख के ऑन द स्पॉट वो अमाउंट जो है अपने नाम उतने पैसे करवा सकते हो। ये इतना लिक्विडेबल है, जो गोल्ड जितना लिक्विडेबल है, ट्रेजरी बिल उतना ही लिक्विडेबल है। तो यहां पर एट एनी टाइम होल्डर ऑफ ट्रेजरी बिल कैन ट्रांसफर और गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई हो या फिर कोई भी बैंक हो या फिर किसी इंडिविजुअल से भी जो है आप ट्रेजरी बिल के साथ डील आउट करवा सकते हो। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मिनिमम 14 दिनों से लेके 364 दिन तक का हो सकता है। तो यानी कि एक साल से लंबे समय के लिए ट्रेजरी बिल इश्यू नहीं होते, एक साल के कम समय के लिए होते हैं, और मिनिमम टाइम फ्रेम है 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते। तो यहां पर जो है ये सबसे पॉपुलर क्यों है? सबसे पॉपुलर होने की इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा मिलती है। सबसे ज्यादा सेफ्टी अगर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में है तो वो है ट्रेजरी बिल के इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर एक नई चीज आई है मार्केट के अंदर जिसका नाम है कैश मैनेजमेंट बिल्स, जिसको CM बिल्स भी बोलते हैं या फिर CMB भी बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ एक नई चीज मार्केट में निकाली है जिसको CMB कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर ट्रेजरी बिल का जिस तरीके से क्राइटेरिया रहता है इसी तरीके का इसका क्राइटेरिया रहता है, और यहाँ पर जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मिनिमम 91 डेज का, यानी कि मैक्सिमम 91 डेज का है, बाकी जो है 14 दिन का क्राइटेरिया जो है वो सेम रहता है। यानी कि मिनिमम टाइम फ्रेम इज 14 डेज एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड इज नॉट मोर देन 91 डेज। और यहाँ पर जो टेम्पररी गवर्नमेंट को अगर कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर वो लोग इश्यू करते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स, जो कोई भी इंडिविजुअल भी परचेज कर सकता है। फिर है बड़े इन्वेस्टर के लिए बड़ी बात जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको CDB बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ये क्या है? ये कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा इश्यू होता है। एक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसकी वैल्यू होती है 25 लाख, और इसके मल्टीप्लीकेशन में ही आप जो है इसको बाय कर सकते हो। यानी कि 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़, 3.25 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से जो है आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैक्सिमम बात की जाए कि कितना ले सकते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल को अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना है तो 4 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कंपलसरी लेने हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होना चाहिए। मैच्योरिटी पीरियड जो इसका होता है मिनिमम 3 महीने का होता है, और मैक्सिमम जो है 1 साल तक का हो सकता है, और 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। ये एक ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट के अंदर जो आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो। एक बैंक से लिया है तो दूसरी बैंक को भी बेच सकते हो इसको आप। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इस मार्केट के अंदर जो है जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है यहाँ पर एक वाइड रेंज प्रोवाइड करती है इंस्ट्रूमेंट जो है मनी मार्केट का, और यहाँ पर जो है एक हायर फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इजी चीज है कि भाई एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सबसे सेफेस्ट तरीके के अंदर कैसे करेंगे, कराइए आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के पास। आप किसी भी ब्रांच के अंदर जाके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करवा
करवा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही एक नई चीज है कॉमर्शियल पेपर्स, जिसका नाम कई लोगों ने सुना होगा लेकिन इसका रियल यूज कैसे और कहां से हो सकता है ये आपने कभी नहीं देखा होगा। तो पढ़ते हैं कॉमर्शियल पेपर्स। ये एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लिस्टेड कंपनी जो है अपनी वर्किंग कैपिटल के बेस के ऊपर इश्यू कर सकती है अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। जब भी कोई भी लिस्टेड कंपनी को अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स की जरूरत होती है और वो कोई एक नया सा रास्ता जब निकालना चाहेगी तो उसके पास एक ऑप्शन है कॉमर्शियल पेपर इश्यू करने का। वजह सिर्फ ये हो सकती है कि उनको अगर इश्यू करना है तो बेसिक नीड जो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की, कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो मोर देन और इक्वल टू 5 करोड़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो है हमारे सीडी की तरह उसी तरह 25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक जो कॉमर्शियल पेपर होता है 25 लाख का मैक्सिमम जो है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 4 कंपलसरी लेने हैं कॉमर्शियल पेपर्स, यानी कि 1 करोड़ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवाना बहुत ही जरूरी है। टाइम फ्रेम 3 महीने से 6 महीने का हो सकता है, इवन जो है ये 15 दिनों से लेके 1 साल तक का भी यहाँ पर हो सकता है। 1 साल से ज्यादा का मंथ के हिसाब से भी नहीं हो सकता है, अगर मंथ्स के हिसाब से देखें तो 3 महीने से 6 महीने की रेंज के अंदर हो सकता है, और डेज के हिसाब से देखें तो 15 दिनों से लेके 364 दिन तक का, यानी कि 365 दिन तक का भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती है। कैसे भाई, 5 करोड़ का आपके पास पैसा है वर्किंग कैपिटल के अंदर, तो आप जो है कॉमर्शियल पेपर उसका बेनिफिट लेते हुए इश्यू कर सकते हैं। ये भी एक ट्रांसफरेबल चीज है और यहाँ पर जो है इसका एंडोर्समेंट और डिलीवरी भी पॉसिबल है। इसको आप डिस्काउंट तरीके से मार्केट के अंदर बेच भी सकते हैं, बैंक्स को भी इसको आप कंपनी के पास लेके बैंक के पास भी इसको बेच सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का एक नया सा जरिया है ये भी एक पॉसिबल है। कॉमर्शियल पेपर्स जो टाटा हमारी कंपनी है भारत की, टाटा जो है उन्होंने कई बार कॉमर्शियल पेपर्स इससे पहले जो है इश्यूज किए हैं। तो कॉमर्शियल पेपर्स आप रैंडमली नहीं ले सकते हो, जब भी कोई कंपनी आती है मार्केट में कहती है कि हम कॉमर्शियल पेपर्स देना चाहते हैं तब जो है आप इसको सब्सक्राइब करके इसको ले सकते हो। तो ये ओपनली अवेलेबल चीज हर बार नहीं होती। फिर है रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में रेपो भी कहा जाता है। ये सेल ऑफ सिक्योरिटी टुगेदर विद एन एग्रीमेंट फॉर सेलर टू बाय बैक द सिक्योरिटी एट द लेटर डेट। तो यहाँ पर ये एक तरह की लोन है जो एक पेपर के माध्यम से दी जाती है और बोला जाता है कि ये जो है मैं आपको ये पेपर दूंगा और इस पेपर को मैं जो है इसके एक प्रिस्क्राइब डेट के ऊपर प्रिस्क्राइब रेट के साथ इसको परचेज करूंगा। जो रेट होता है इसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होता है। कैसे भाई, समझ लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, आई एम अ कंपनी एंड आई वॉन्ट कि मुझे कोई 10 करोड़ रुपए दे, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिपर्चेज एग्रीमेंट बनाऊंगा और मैं कहूंगा कि मुझे 11 महीने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो जो भी ये पेपर लेगा मैं उसको 11 महीने के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए दूंगा। तो जो पर्सन इसको बाय करेगा वो क्या होगा, ये पर्सन ये जो पेपर है बाय करेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर बाय करेगा, नहीं ये बाय करेगा 1 करोड़ रुपए में, और उसके सामने जो है मैं वही पेपर परचेस करूंगा 11 महीने के बाद में और उसको दूंगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो मुझे क्या था, मुझे रिक्वायरमेंट थी 1 करोड़ रुपए की, तो वो मुझे मिल गई, और सामने वाला जो पर्सन था वो अभी 1 करोड़ रुपए दे रहा है, लेकिन उस 1 करोड़ के सामने उसको मिलेंगे 11 महीने के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो उसका बेनिफिट हो गया 20 लाख का, उसके पैसे भी वापस आ जाएंगे और मेरा जो है मेरी जो किल्लत है पैसे की वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी और मैं जो है उस फंड से अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से काम चलता है यहाँ पर। जो रेपो रेट माना जाएगा वो क्या रेपो रेट माना जाएगा भाई, 1 करोड़ का मैंने 11 महीने का जो रेट इंटरेस्ट दिया वो दिया 20 लाख रुपए। तो अगर मैंने अमाउंट टू अमाउंट ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ पर रेपो जो होगा वो 20 लाख होगा और रेट के मुताबिक यहाँ पर जो होगा तो वो कैसे होगा, सपोज मैं वही एग्जाम्पल यहाँ पर रिपीट करूंगा, मैं कहूंगा 11 महीने के लिए मुझे पैसे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो जो भी ये इंस्ट्रूमेंट बाय करेगा मैं उनसे 12% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है फंड्स एक्वायर करना चाहूंगा। तो 11 महीने के बाद मैं उसको 1 करोड़ रुपए तो दूंगा, उसके ऊपर से 11 महीने का 12% से हिसाब से कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट भी मैं उनको दूंगा, तो ये हो जाएगा रेपो रेट के मुताबिक यहाँ पर जो है जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो ये एक सिक्योर्ड तरीके का कोलेटरल एग्रीमेंट होता है जहां पर कैश की लोन जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पर
हो सकती है, पॉसिबल बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो प्राइम इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स को देखते हैं, यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है और कॉमर्शियल बैंक्स जो है इसको प्रोवाइड कराती है इन फॉर्म्स ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि किसको कैश क्रेडिट मिलती है और किनको जो है ओवरड्राफ्ट मिलता है? तो कैश क्रेडिट भैया मिलती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, और जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो बिजनेसमैन को मिलती है। अगर आप बिजनेसमैन है, आपका जो बिजनेस है वो या फिर लिटिल बिट रजिस्टर्ड है या पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस आप अगर करते हैं, तो आपको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से। और आप एक कंपनी के ऑनर है, डायरेक्टर है, या फिर आप बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या छोटी बड़ी इंडस्ट्री आप एक्वायर करते हैं, तो आपको मिलेगी कैश क्रेडिट की फैसिलिटी। तो ये एक डिफरेंस है, कैश क्रेडिट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है, वेयर एज ओवरड्राफ्ट जो है बिजनेसमैन को मिलता है। ये खास चीज है, याद रखनी चाहिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये याद नहीं रहता है। तो मार्क द पॉइंट और याद रख लीजिए। इसके बाद पूरा का पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि भाई हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। भाई लैंडिंग और बोरोइंग के रिगार्डिंग जो प्लेस होती है उसको मार्केट कहते हैं, उसी तरीके से मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट देखी, कैपिटल मार्केट के पॉइंट्स देखे, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव, शॉर्ट टर्म फंड्स कहाँ से आते हैं, कौन देते हैं, एक दिन से लेके भाई अलग अलग तरीके के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर एक दिन से लेके एक साल तक के टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं। आरबीआई और सेबी जो है यहां पर मनी मार्केट को रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा मेहनत में लगा रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बनाते हैं ताकि जो है कोई इसका डिसएडवांटेज ना ले सके और किसी के पैसे जो है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर डूब ना जाए। इसकी जो बैकअप स्ट्रेटेजीज है वो आरबीआई और सेबी बनाता रहता है। इसके अलावा जो है मनी मार्केट जो है ये समटाइम्स डिस्काउंट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है कि भाई क्या होता है कि इंटरेस्ट पे करना है तो ये अमाउंट के ऊपर की बात है, लेकिन यहाँ पर दूसरी एक चीज है कि कोई ये भी बोल सकता है कि मुझे भाई जो मैंने बोला 1 करोड़ वाला जो ट्रांजेक्शन दिया था उसके अंदर एक डिस्काउंटेड मार्केट का भी एक ऑप्शन है। कैसे? मैं बोलूंगा कि मुझे जो है 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं उसके सामने 1 करोड़ से 20 लाख रुपए दे रहा था। दूसरा ये है कि अभी मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे 85 लाख रुपए दो, मैं आपको 6 महीने के बाद जो है 90 लाख रुपए दूंगा। तो ये हो गया डिस्काउंटेड, पैसे आपको मुझे देने हैं कम, उसके सामने मैं आपको दे रहा हूँ पूरे, और मेरी रिक्वायरमेंट रियलिटी की 90 लाख की है, लेकिन अभी आप मुझे 85 लाख भी दोगे तो अभी मैं आपको जो है मैच्योरिटी टाइम के ऊपर 90 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो ये एक ऑप्शन जो है वो इंटरेस्ट से थोड़ा अलग है, लेकिन मतलब इसका इसी तरीके से होता है, ये उल्टे कान पकड़ाने वाली बात यहाँ पर होती है। फिर जो स्टेटमेंट होते हैं मनी मार्केट के अंदर, उसके अंदर हमने देखे कि भाई ये 2 कैटेगरी के अंदर होते हैं, सेक्टर जो होते हैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इंडिजिनियस बैंकर्स, मनी लैंडर्स मार्केट के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड बॉडीज होती है, जैसे कि भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। दूसरी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जिसको DFHI के नाम से जाना जाता है। फिर होते हैं म्यूचुअल फंड्स जो ये ऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर पैसे प्रोवाइड कराते हैं। फिर है कॉरपोरेट और कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स होती है जो यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड कराती है। इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है PSUs, जहाँ पर गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, यहाँ पर से भी फंड्स आपको मिल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जिसका हमने नाम सुना था LIC और GIC, ये भी फंड्स प्रोवाइड कराती है। और है फाइनेंशियल अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि UTI का भी हमने नाम सुना था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इवन जो सबसे बड़ा प्लेयर है जो एक तरीके से दिखता ही नहीं, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जो मनी मार्केट की नीड है आम आदमी की, छोटे बड़े बिजनेस वालों की, वो सबसे ज्यादा नीड को सेटिस्फाई करने में इंटरेस्ट के मुकाबले इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है जनरली। तो ये मनी मार्केट की गेम के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई है तो वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कॉरपोरेट और कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक से भी ज्यादा फंड्स जो है प्रोवाइड कराने वाली चीज जो है इंडिया के अंदर वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एग्जांपल्स अगर आपको इसके देखने हैं तो आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो है जिस तरीके से लोन प्रोवाइड कराता है, तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है। तो ये लोग जो है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसे देते हैं, और यहाँ पर जो है
हाय, जब भी जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, ये सारे उन सेक्टर्स को ये पैसे दिलाते हैं, और मेजोरिटी केसेस के अंदर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट के भी इश्यूज नहीं देखते, और ये लोग जो है इतने बड़े अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देने के बावजूद जो है ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट अर्न प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जो है यहाँ पर इसको कोई चूना भी नहीं लगा के जाता है। इवन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट जो है इसको सबसे ज्यादा रेगुलराइज करता है, सेबी और आरबीआई, जो हमने बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया है। सेबी अगर आपको फिर से भूल गए हैं तो मैं बता दूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, जो हर्षद मेहता का जो इवेंट हुआ था उसके बाद इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इंडिया के अंदर। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट के अंदर हमने बात की कि भाई क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इंडिया के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं मनी मार्केट के अंदर जो है, इसके जो सब कैटेगरी और सब मार्केट्स भी इसके अंदर होती है। तो कॉल मनी की डिस्कशन करेंगे, नोटिस मनी की और टर्म मनी मार्केट की डिस्कशन करेंगे, वेरस ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एंड रेपो एंड रिवर्स रेपो की हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। तो मोस्ट एक्टिव सेगमेंट जो है मनी मार्केट का है ओवरनाइट कॉल मार्केट और रेपो, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रीपर्चेज वाला मैंने आपको डिटेल से एग्जांपल दिया था, ये जो है ओवरनाइट कॉल मार्केट है, कौन नहीं देगा भाई, किसी को अगर 11 महीने के लिहाज से 1 करोड़ के 1 करोड़ 20 लाख मिलेंगे तो कौन पैसे नहीं देगा, कोई भी देने को तैयार होगा, सिर्फ वो रिसर्च करेगा कि क्या मैं इतना एलिजिबल और साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स में रखता हूं कि नहीं, कि क्या मैं उनके पैसे जो है उनको वक्त पर वापस पहुंचा पाऊंगा कि नहीं। तो ये एक ओवरनाइट कॉल मार्केट का जो सेगमेंट है ये मोस्ट एक्टिव सेगमेंट है अभी इंडिया के अंदर मनी मार्केट की फील्ड के अंदर। और मेनली जो लास्टली बात आती है कि कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मार्केट मनी क्या है, तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मार्केट मनी ये तीनों जो है सब मार्केट है इंडिया की मनी मार्केट के। तो यहाँ पर कॉल मनी जो है वो हमने पहले भी देखा है कि भाई यहाँ पर जो है बोरोइंग या फिर लेंडिंग होती है सिर्फ 1 दिन के लिए, और यहाँ पर जो अमाउंट होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, और यहाँ पर सारे के सारे जो फंडिंग्स होते हैं कैश के अंदर होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स का ये एक सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है मनी कॉल मनी का, जो बैंक्स भी यहाँ पर इंक्लूड होती है कि भाई कुछ घंटों के लिए या फिर जो है 14 दिनों के मैक्सिमम टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर जो है कॉल मनी लिया जाता है। उसके बाद जो नोटिस मनी जो है ये रिफर होता है बोरोइंग और लेंडिंग्स फॉर 2 डेज टू 14 डेज, इवन इस तरीके की एक्टिविटीज भी बैंक्स के अंदर देखने को मिलती है। और जो थर्ड पॉइंट है टर्म मनी रिफर्स टू बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 14 डेज, 1 दिन, 2 से 14 दिन और जो है 14 दिन से भी ज्यादा का टाइम पीरियड। तो ये होते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी मार्केट। तो ये सारी एक्टिविटीज इवन बैंक्स भी करती है और बैंक्स इंटरनली भी करती है। याद रखिए सी एंड टी, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो अल्फाबेटिकली भी आप देख सकते हैं, भाई जो सी है वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, यानी कि 1 दिन के लिए कॉल मनी, एन यानी कि नोटिस मनी जो अल्फाबेटिकली सेकंड आता है, और जो उसका टाइम फ्रेम है वो 2 दिन से 14 दिनों का है, और जो टर्म मनी मार्केट है इसका जो है अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर आप देखिए एबीसीडी के मुताबिक तो ये थर्ड आता है, तो यहाँ पर 14 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉल मनी 1 दिन के लिए, नोटिस मनी जो है 2 से 14 दिनों के लिए, और जो टर्म मनी मार्केट है वो 14 दिनों से ज्यादा के टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग है। तो ये तीनों चीजें जो है सिंपल तरीके से आपको याद रख लेनी है, डेफिनेशंस जहाँ पर दी गई है उसको कम्प्लीटली याद कर लीजिए, और काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, वीडियो अगर आपने जल्दी जल्दी में देखा है तो शांतिपूर्ण तरीके से इसको फिर से एक बार देखिएगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली हमारे साथ डिस्कस करने के लिए और पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। भारत माता की जय। वंदे मातरम।